ढाबा के पास में काफी भीड़ लगी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टीवी में लोग आ गए हैं नया व्लॉग लेके, और ये व्लॉग फ्रेशली स्टार्ट हो रहा है मेरे मोहल्ले में। ऑफ कोर्स यार, मैं अपने मोहल्ले में तो हूंगा। अभी बस फजर की नमाज पढ़ के हम लोग वॉक के लिए निकले। वेट गाइस, ऐसी स्टार्टिंग में नहीं चाह रहा था। सो स्टार्टिंग में चाह रहा था कि रात से स्टार्ट हो, सो रात से ही व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, फिर सुबह पे आते हैं। सो लेट्स गो। वॉइस ओवर मेरा टफेस्ट वॉइस ओवर होने वाला है, क्योंकि भाई इसी वजह से भाई व्लॉग मेरे डिले हो रहे थे। सो ये है व्लॉग भाई स्पेशल बारबेक्यू। सो गाइस, फैमिली टाइम स्पेंड करना किसको नहीं अच्छा लगता है। सो मुझे भी लगता है और आई लव इट। सो भाई हम लोगों ने बारबेक्यू बनाया था, सो उसको अनबॉक्स किया और उसको अगले दिन भाई लेके बैठ गए। शाम को प्रोग्राम हुआ कि भाई अच्छे से हम लोग चिकन ग्रिल करके इस पर खाएँगे। सो फाइनली मेरे को लगा था बहुत आसान होने वाला है ये, बट आसान तो नहीं, पर काफ़ी टफ था। मेरे को लगा भाई कोयला डाल के बस आग लगानी है, बस नहीं भाई, कोयला डाला, आग लगाई, बट वो जली ही नहीं। तो उसको भाई कई तरीक़ों से अपन लोगों ने आग लगाने की कोशिश करी उसमें। यहाँ पे भाई ग्रिल्ड हो रहा है चिकन और हल्के हल्के स्लोली स्लोली। सो ये हमारा फर्स्ट टाइम था बारबेक्यू जो हम लोग जैसा बना रहे थे। सो काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई, बट इंड रिज़ल्ट काफ़ी बेहतरीन था। सो अब मैं टेस्ट करके बताने वाला हूँ कि भाई कैसा बना है। सो लेट्स वॉच इट ब्रो। सब खत्म हुआ जा रहा है, उज़ैफा तो लेके बैठ गए। उज़ैफा ने तो भाई कब्जा कर लिया था, और रियली भाई बहुत ही टेस्टी थे, मैंने ऐसा चिकन कभी नहीं खाया था। तो अब वापस आ जाते हैं भाई सुबह के टाइम। सो लेट्स गो। अब लोगों को दिखाते हैं भाई, बहुत दिन से वॉक पे भी नहीं गए, मॉर्निंग वॉक। तो अभी कुछ टाइम हो रहा है 7 के आसपास, जस्ट बिकॉज जाड़े हैं तो थोड़ा ज़्यादा लेट में सनराइज होता है। सो आज का सनराइज था 6:48 पे। सो ये आप देख सकते हैं गलियाँ, और मैं फिर से कहूँगा एक बार फिर से कि भाई ऑयल की रोडें और क्लीननेस अलग ही लेवल पे हैं। रोड चौड़ी भी हैं अच्छी खासी और क्लीन भी रहती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देम। देखे सफाई कर रहे हैं सुबह सुबह, अपन लोगों ने प्रॉपर पहन रखा है भाई, कोई रिस्क नहीं लेना भाई, इतना जाड़ा चल रहा है। सो ये देखिए क्लीन कर रहे हैं, कितना मतलब करेज वाला काम है भाई सुबह सुबह उठ के। एक इंसान को पंचर होना बहुत बड़ी बात होती है ब्रो। सो हाँ, एक और बात कर लेते हैं भाई, एक हमारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं गोला गोकरण नाथ से, जमीन अंसारी। सो वो भाई बहुत ही रेगुलरली कमेंट करते हैं और बहुत प्यारी प्यारी कमेंट आती हैं उनकी, काफ़ी अच्छा लगता है जब देखता हूँ कमेंट्स उनकी। सो उन्होंने कमेंट अभी आया था कि भाई बहुत अच्छा उनको लगता है व्लॉग अपने, और वो आना चाहते हैं ऑयल मिलने के लिए। सो भाई बिल्कुल यार, मिलेंगे अपन। सो आप आ जाओ ऑयल, या तो मैं ही गोला आ जाऊँगा, आना जाना लगा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ऐसे अच्छा लगता है कि भाई जस्ट मोबाइल से दूर रहो और वॉक करो, नेचर में रहो, लाइफ जियो अपनी। सो अभी अपन लोग वीडियो एडिट कर रहे हैं और शूट भी कर रहे हैं साथ ही साथ। सो अभी अपन लोग जाएंगे जिम, जिम खोल दिया है। मैं मतलब रात में जाता हूँ तो मैं सुबह का पता ही नहीं, मैं भूल गया हूँ कि सुबह क्या क्या होता है। सो जस्ट अपन लोग चलेंगे सुबह और देखते हैं वहाँ पर कौन कौन लोग हैं, और वहीं पर आराम से एडिटिंग करेंगे अपनी, क्योंकि वो भाई देख लो यार अपने ही जिम तो अपने ही है यार, काफ़ी वो अच्छे हैं गुरु जी हमारे। सो चलते हैं। पहले अपन लोग पहुंच चुके हैं जिम के पास, और यहाँ पे भाई कुछ लोग जा भी रहे हैं जिम के यार, मतलब उनके कहते जिम हो भी गया, यहाँ पे कितनी बाइक्स खड़ी हैं, अरे बहुत लोग आते हैं कैसे भाई। सो जब तक हम लोग जाते हैं जिम में गुरु जी से बात बात करने के लिए, तब तक भाई आप लोग इन्जॉय करिए। एक रात का सीन है भाई जब हम लोग गए थे अमृत सरोवर। सो वहाँ पर देखिए भाई क्या क्या हम लोगों ने वहाँ पर खाया। पब्लिक गाय बिकॉज यहाँ सेट्री का सीज़न चल रहा है ना, और वो ठंडी चल रही है यार, कैंटीन वगैरह में भी कोई है नहीं, तो फटफट से ऑर्डर हो जाएगा, और मेरे भूख भी लगी हुई है, तो देखते हैं कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए हो। सो गए थे अपन लोग कैंटीन गए थे, पर कैंटीन में अपन लोगों को खाना नहीं था कुछ, मतलब खाना था बट स्नैक्स खाने का मन नहीं कर रहा है यार, डायरेक्ट खाना खाने का मन कर रहा है। तो देखते हैं रेस्टोरेंट में चल के कुछ वेज में ही होगा, यहाँ पर नॉन वेज शायद ही हो। सो देखते हैं खाना खा लेते हैं अच्छे से, मतलब खाना मतलब खा लेते हैं, भूख लगी हुई है। यहाँ पर है नहीं कोई यार, अभी मस्त है, चिल माहौल है, कुछ लोग झूला झूल रहे हैं, और रेस्टोरेंट में शायद ही कोई है। सो गाइस अपन लोग यहाँ पे सरप्राइज हो गए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लगता नहीं था कि नॉनवेज होगा। सो यहाँ पे नॉनवेज है, तो वी जस्ट ऑर्डर्ड चिकन बिरयानी, और यहाँ पे सेम रेट पे है चिकन और मटन दोनों सेम रेट पे। सो अपने चिकन मंगाया हुआ है, देखते हैं कैसा होता है।
तो खा चुके हैं फाइनली हम लोग बिरयानी। वैसे बॉल में कम लग रही थी पर ज़्यादा अच्छी थी, मतलब मज़ा आ गया खा के, चटपटी थी। बट वही बात है ना कि जो है सही है। अब जल्दी भागते हैं और जिम चलते हैं अपन लोग, नमाज का भी टाइम हो रहा है। सो बैक टू प्रेजेंट डे मॉर्निंग, आधा घंटा कहाँ चला गया पता ही नहीं चला, काफ़ी देर तक बात करें काफ़ी कुछ। गुरुजी बैठे थे, गुरुजी से बात कर रहे थे। और ये रहा हमारा बस स्टॉप। भाई बस स्टॉप मैंने एक बार किसी के सामने बोला बस के अंदर कि मैं बस स्टॉप पर उतरना है, तो हंसने लगा था एक इंसान, कह रहा बस स्टॉप कहाँ है वो। तो किसी ने मेरा पार्ट लेते हुए बोला था कि बस स्टॉप मतलब जहाँ बस रुकती है उसको ये बोल रहा है। सो यहाँ पे चाय की टपरी है, सुबह सुबह खुल जाती है भाई, 5 बजे आप आ सकते हो, चाय पी सकते हो यहाँ पे। जिन बाबा के पास में काफ़ी भीड़ लगी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। और ये अभी इसका एक्सीडेंट हो गया यार, ये डर रहा है अभी, इतना नर्वस हो गया है। सो अभी काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, देखते हैं इस पर इससे कौन। सो जानवर के डॉक्टर को बुला रहे हैं कुछ लोग। ये अडल्ट नहीं है, थोड़ी छोटी सी है ना, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो काफ़ी लोग रुक के देख रहे हैं, देख सकते हैं लोग कितनी भीड़ लगी हुई है यार, हद है। अपन लोग चलते हैं, अपन लोग जा रहे थे।